पजरी कब से सोख आ गया? मैं सोचा तेरी मम्मी से मिलूंगा, फिर बोलेगी यार तू तो कमजोर हो गया, इसलिए डोले सोले बनवा दूं। वो भी तुझे मिस कर रही, कह रही मेरा प्यारा जिमी कहाँ है? बहुत दिनों बाद मिले हम, पर चलो कोई दिक्कत है। क्या ला मैडम जी? यहाँ से मैं नैनो निकाल लूँ, आगे लेके चल। ठीक, आगे भी ले जाएंगे। ये हमारी डिफेंडर क्या मस्त ऑफ रोडिंग करती है भाई, देखना। ओ कजरा रे रे तेरे काले काले नैना। ओए मजा आ गया भाई, पेट हल्का हो गया, मैं भी फ्रेश हो गया, नहा भी लिया। और क्या ही है, हे गाइस स्वागत है आपका मेरी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? कब कर तो सब बढ़िया होंगे, मजा करूँ। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। और फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं बिल्कुल हैप्पी हैप्पी हूँ, क्योंकि हमारी सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब आप में से काफी लोग पूछोगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। अब पिताश्री ने मुझे खबर दी है कि उन्होंने इल्लुमिनाटी गैंग को पकड़ लिया है। बिल्कुल गाइस, गैंग की एस्टेसी तो कर दी और लीडर को पकड़ लिया है। मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलते पिताश्री के पास और पूछते हैं उनसे कि क्या सीन है क्या नहीं। और आज मेरा प्लान है डिफेंडर के साथ एक बहुत तगड़ी चीज करने का, वो क्या है मैं आपको बताऊं, आपको भी मजा आने वाला है। तो इतने दिनों से हमारे दिमाग में टेंशन थी, हम क्या करेंगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पिताश्री के पास चलते हैं। अरे रे 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 रे। आंटी यार सुनो यार, आंटी यार आलू के परोंठे बना देना प्लीज यार। देखो देखो यार, ये आंटी कैसी है, इसको हमने रखा हुआ कुछ काम कुम कर दे, हमारा हमारी काम ही नहीं कर रही, पर चलो कोई नहीं। पिताश्री, अरे ये क्या है इसकी आंख? जो मेरी उम्र है इसमें मुझे डंबल वगैरह उठाने थे, वेट लिफ्टिंग करनी थी, पर मेरे उम्र वाले काम पिताश्री कर रहे हैं, इनको कौन सी बॉडी बनानी, क्या हो गया पिताश्री, कब से सोख आ गया? मैं सोचा तेरी मम्मी से मिलूंगा, फिर बोलेगी यार तू तो कमजोर हो गया, इसलिए डोले सोले बनवा दूं। बता कैसा आईडिया है? अच्छा क्या बात है, मैं ये कह रहा था, अब देखो इल्लुमिनाटी गैंग के लीडर को हमने पकड़ दिया है, पर हम माता जी को कब लेने जाएंगे? मैं माता जी को बहुत मिस कर रहा हूँ। देर से ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ, साथ साथ ट्रेसी को भी। और बता दुबई चलेगा? दुबई जाऊंगा मैं अभी, बता ऐश करके आएंगे दोनों बाप बेटे। नहीं यार दुबई मैं क्या करूँगा, वैसे जा क्यों रहे? गैंग लीडर को फेंक के नहीं आना क्या? अच्छा मैं तो भूल ही गया था, उसको छोड़ के भी आना है। नहीं आप जाओ, आज मैं डिफेंडर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, ले जा तू। वैसे कब जा रहे हो भाई? आज या कल में निकल जाएंगे, अभी इन्फॉर्मेशन तो आया आगे से। हाँ चलो अच्छी बात है। और मैं ये कह रहा था कि फिर आगे का क्या सीन है, जल्दी मेरे इलेक्शन भी चालू हो जाएंगे, फिर क्या करना उसका? करते हैं उसके, एक बार मैं दुबई से आ जाऊँ यार, फिर करेंगे उसका क्या सीन है क्या नहीं। बाकी एक काम कर, तू स्कॉर्पियन ठीक करा। स्कॉर्पियन ठीक करवा लूँ? पक्का? हाँ हाँ पक्का। चलो ठीक है ठीक है। तो फिलहाल गाइस आपने सुन लिया, पिताश्री ने कहा कि स्कॉर्पियन ठीक करा ले। भाई जैसे ये सीन खत्म हो ना इल्लुमिनाटी का, पिताश्री भी रिलैक्स हो गए हैं और जल्दी हम माता श्री को भी लेके आ जाएंगे, ट्रिप पे भी जाएंगे भाई। और ये देखो गाइस, ये रही हमारी प्यारी डिफेंडर। देखो आप लोगों को पता है हमारी प्यारी डिफेंडर में हमने नए एलॉयज लगाए, पर इनकी अभी तक चेकिंग नहीं कर रखी हमने। और हमारी गाड़ी देखो, आप देख सकते हो इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आज हम अपने डिफेंडर की चेकिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे। लेट्स सी, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। अब देखो इसका सीन क्या है, जो अपनी प्यारी डिफेंडर है ना, इसको हमने, मैंने और जिग्गू ने रात को ही बात कर ली थी कि किसी ट्रैक पे लेके चलते हैं, कहीं तो ऑफ रोडिंग करेंगे, क्योंकि एक तो इसकी टेस्टिंग जरूरी है, फिर आपको पता मैं इसी में ही ट्रिप पे जाऊंगा फैमिली के साथ, ठीक है? तो इस चीज का मजा तो आएगा यार। तो मैं बिना किसी देरी के चलता हूँ जिग्गू के पास और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। यार बात तो तेरी भी ठीक है। तो फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, जिग्गू टैक्सी लेके यहाँ तक आ गया था और हम यहाँ पे मिले, हमने सोचा कि बर्गर बुर्गर खा लेते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये आया, मतलब जिग्गू के दिमाग में आया, यार ओली को भी ले चलते, इतने दिन हो गए गाइस, आप लोगों ने भी हमें साथ में नहीं देखा है। ये जिग्गू पटेल, वो भी तुझे मिस कर रही, कह रही मेरा प्यारा जिमी कहाँ है? ज्यादा ना बोला कर, मारो ना लेके आ, कॉमेडी मत कर। और किसी से मेरे को मिलवाना भी था आपको, पर वो इतनी टाइम से डिले है गाइस। मैं बता दूं क्या है नाम उसका और कौन है? ओए चुप रहे, सारी स्कीम बता देगा मेरी, मैं खुद बता दूंगा वक्त आने पे, मैं बता दूंगा गाइस आपको, आप दिक्कत ना लो किससे मिलवाऊंगा। पर फिलहाल हम जा रहे हैं ओली के पास, सीधा कॉलेज जा रहे हैं और फिर वहीं से देखते कुछ खाने पीने का और फिर हम निकल जाएंगे ऑफ रोडिंग के लिए, ये हमारा प्लान है। तो लेट्स गो। और अपनी डिफेंडर देख रहे हो भाई, कितनी सोनी लग रही है नी, प्यारी सी ओली है। ओहो भाई पीछे कैसे चलाते हैं लोग यहाँ गाड़ी, देखना आंटी जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चलाते क्यों? और सॉरी आंटी ये तो अंकल है, देखना कहाँ देके मारी है इसने गाड़ी, ये देखो कहीं से तो ठुकी होगी इसकी गाड़ी, ये देखो स्क्रैचेस लगे पड़े हैं भाई, बड़े गंदे तरीके से गाड़ी चलाते हैं लोग। आजा जिग्गू तेरे जैसे ही है सारे, किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती। मेरी ड्राइविंग स्किल्स से कोई पता नहीं है, देख लेगा ना जब कच्चा मांग देगा। हाँ तू मत बोला कर, सबको बोला है मेरे आंटी ने कहा ठोकरी
मैंने कहा ना ये एंटी को तो गाड़ी देनी नहीं चाहिए। देखो अरे रे रे देखो ओहो ये फिट ठोकेगी। अरे अंकल उड़ा देगी क्या? अरे रे देखो। अरे भाई एंटी नहीं आती तो मत चलाया करो ना। तो लाइट को गाइस अपन तो निकाल रहे हैं गाड़ी। हम तो रेड लाइट जंप मारेंगे। हट जा रे मारूं इतना पता नहीं कितना। तो निकल रहे हैं गाइस कॉलेज के लिए क्योंकि वहीं जाके देखते हैं क्या कॉमेडी करनी। और गाड़ी देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। ओहो गड्डी मेरी काली मिर्च AK-47 पर हमारी गाड़ी तो वाइट है यार। काली अच्छी करा दी। काली भी तो मेरा मन था यार। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। अब हमने नॉर्मल कलर कर रखा। बाद में करा देंगे रैप रूम। तब सीता श्री को सरप्राइज दे दो डिफेंडर में रैप करवा के। आप बताओ भाई डिफेंडर में रैप करवा लेंगे आप? देखते हैं लेट्स सी। पर चलो कोई नहीं पहले निकलते जिस काम के लिए हम निकले हैं। बोल अरे आधा दे तू तो गया बेटा तू गया। तेरी ऐसी करूँगा बिना इंडिकेटर किसने रखा तेरी गाड़ी में है? ऐसी लाइट चलाने के लिए बेटा बाहर निकल तू। जिग्गू इसके मार दे नहीं तो मैं मार दूंगा। अरे छोड़ दे इसे यार। अरे भाग जा तू मारेगा भूतनी का। कैसा आदमी है देखना भाई। गलती भाई गाड़ी ठोक के भाग रहा है। इसकी सासू की जाने नहीं दूंगा। ले ले जाने। मेरी गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो डैमेज हुआ मेरी गाड़ी में। पप्पा आएगा तेरी या मम्मी आएगी तेरी? ये देखो कमर टेढ़ी करके बैठ गया सूर कहीं का। कोई और भी था क्या इसकी गाड़ी में? इसकी गाड़ी लेके भाग गया भाई। हमारी गाड़ी में वैसे डैमेज तो कुछ नहीं हुआ पर फिर भी यार दिल तो दुखता है ना। हमारी प्यारी गाड़ी है। ओ नहीं यार ये देखो यार क्या है। अब कपड़ा मार के देखते हट जाएगा यानी कांच की पेंट ना उतरा हो यार। लेट्स सी गाइस ना सोना तेनू रब ने बनाया जी करा कोको कोला पी लूं। कोको कोला पिएगी क्या तू? तू तो क्या ही पिएगी? ठीक है भाई हमसे तो पूछा नहीं आज तक। पूछने वाले और बता यार तू तो इतने दिनों बाद मिली मुझे। यू आई नो यू मिस मी अ लॉट है ना? है ना सच्ची बता ऐसी बात है? अरे बढ़िया हाल है मेरे भी बढ़िया हाल है। तो गाइस इतने दिनों बाद मिले आप देख लो बहुत दिनों बाद मिले हम। पर चलो कोई दिक्कत नहीं अब रोज मिलेंगे। चल आगे चलते हैं। आज तक हमसे तो गले नहीं मिला। अरे यार तू क्यों दुखी हो रहा? तेरे भी गले लगा लेंगे। ले यार मेरा भाई है तू। ये देखो इसके अलग ही खुजली होती है। गाड़ी में बैठ गए तो तेरी खुजली खत्म कर दूं। और आगे वो बैठे कि ना कि तू। चलो बैठ जाओ यार जिसे जहाँ बैठना। मुझे पता नहीं तो ये लड़ेंगे गाइस इनको क्या ही करना। पर चलो कोई नहीं आगे बैठा आगे बैठ। ये भी तो हीरोइन बनेगी है इसकी। आगे इसको बैठाऊंगा आगे मैं। चल आ जाओ तू आगे बैठ। कैसे मनाने दो उसे मुंह बनाएगा तो तू आगे बैठना। मैं भी तो देखूं कैसे मुंह बनाएगा ये। सूर कहीं का मुंह बनाएंगे ये बनाएंगे मुंह की भैंस की टैट। ओए बेटे आगे वो बैठेगी कैदी तो कैदी। लेट्स गो आजा बैठ कटरीना कैफ। ओए अरे जिग्गू समोसा खिला दूंगा बस मुंह ना बनाइयो ठीक है। ए क्या ले मैडम जी। लेट्स गो गाइस तो निकल रहे हैं अपन ऑफ रोडिंग के लिए। अपन तो बिल्कुल रेडी हैंगे ठीक है। अब लेट्स सी क्या सीन होने वाला है क्या नहीं। जिग्गू ने कहा यहाँ पे एक बहुत डिफिकल्ट सा भाई साहब ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो गाइस देखो हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग टेस्ट करने के लिए। तो ये देखो हमारी डिफेंडर जो है वैसे तो वो बहुत कैपेबल है ऑफ रोडिंग के। किसी ट्रैक पे नहीं लेके जा रहे हैं हम क्योंकि ट्रैक की सारी बुकिंग पूरी फुल है। तो हमने सोचा कि यही गाड़ी लहरा लेते हैं। वैसे तो हमारी गाड़ी देख सकते हो अच्छी खासी है मतलब पूरी दमदार गाड़ी है हमारी। तो यहाँ से लेके जाएंगे पूरी जगह और ये क्रॉस करना हमें ये हमारा मेन सीन है। लेट्स सी हम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। ये जिग्गू कह रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि कर पाएंगे। और ओली कह रही है कि हो भी सकता है ये भी हो सकता है यूँ कह रही है। और लेट्स सी गाइस क्या। ओ भाई यही तो दिक्कत है देख रहे हो इतनी से मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो गई यार। हट जा रहे अंकल छाती पे चढ़ा दूंगा डिफेंडर। फिर मत बोलिए छाती से डिफेंडर चढ़ गई। लेट्स गो गाइस। डिफेंडर यू कैन डू इट। चल 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 देख सकते हो गाइस हमारी डिफेंडर निकल गई। अरे ऐसे कैसे रह जाएगी। लो भाई गाड़ी साफ भी हो गई। हां बेटे कुछ बोलना चाहेगा पीछे बैठे वाले कबूतर? यहां से मैं नैनो निकाल लूं आगे लेके चल। ठीक है आगे भी ले जाएंगे क्या दिक्कत है गाइस। चलो आगे लेके चलते हैं। ये क्या इतनी भैंसिया? डिफेंडर तो हवा में हो गया। अरे हिरन मियां कहां घूम रहे हो? आम का बीच में मत आ जाना गाड़ी के यार फिर मेरे को लोग बोलेंगे मैंने तो हिरन उड़ा दिया। देखो 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 जानबूझ के आगे आएगा ताकि लोग मुझे यूं बोले कि मैंने हिरन उड़ा दिया। कितने नोटी नोटी हिरन है गाइस यहां पे। चलो कोई नहीं यहां टेस्ट करते हैं। ओ ये यहां तो इतना पानी नहीं था। हां पानी था वो आप लोगों ने देखा ही भाई बहुत पूरी गाड़ी पानी के अंदर थी वैसे तो। पर फिर भी गाड़ी में इतनी कैपेबिलिटी थी कि निकल गई। और रेस भी मैंने ज्यादा नहीं दे रखी थी वैसे तो। गाड़ी डिफेंडर है यो ठीक है। कौन सी गाड़ी है? डिफेंडर गाड़ी है यो। ये कैसे रह जाएगी देख लो गाइस कितनी आराम से निकल रही है। कर्नल अंकल से मिलने चले क्या?
पर अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसमें सच बताऊं। लेट्स गो, अब कहां लेके चले? तो ये अपन यहीं ऑफरोडिंग कर रहे हैं गाइस। अब किसी ट्रैक में ले जाने से अच्छा तो हम यहीं कर ले, ट्रैक में पैसे भी देंगे और ये देखो यहां अलग ही मजा आएगा। ये देख रहे हो इसीलिए, ओ भाई साहब मेरा तो बीपी बढ़ गया था तब से डिफेंडर ने गाइस अच्छी परफॉर्मेंस कर दी है। ठीक है, तो इसको भी मैं आके एक और जगह लेके जाऊंगा जहां पे आपको दिखेगा कि हम और तगड़ी ऑफरोडिंग कर रहे हैं। देखना पानी के अंदर है गाड़ी अपनी, बिल्कुल पानी के अंदर, देखो तो। पर अगर मैं ना एक्सप्रेशन छोड़ दूं तो हमारी गाड़ी बंद हो सकती है क्योंकि साइलेंसर है, पानी घुसते गाड़ी बंद हो जाएगी और वो मैं करना नहीं चाहता। तो अपनी गाड़ी का मेन टास्क है यहाँ से आऊंगा और ये पूरा एरिया पार करना है। तो अटक भी जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते, निकलवानी पड़ेगी फिर, और क्या, और तो ऑप्शन है ही नहीं। मैं टैंकर बुला लूंगा गाइस, टैंकर से निकलवाएंगे फिर, क्योंकि देखो जो हमारे टैंक है वो यहीं पर मिल जाएंगे। कर्नल अंकल जी तो है यहाँ, इसीलिए तो मैं इतने खुल के कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ी करता पकड़ो। लेट्स गो गाइस, क्या होगा क्या नहीं, ये निकल जाएगी, निकल जाएगी, चल चल डिफेंडर। ओ भाई निकल गई, मैं क्या मार तुड़िया पापड़ वाले नु, ट्रिप पे तो यही गाड़ी जाएगी गाइस। इसकी देखो परफॉर्मेंस आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है, इतनी प्यारी है हमारी डिफेंडर, क्या मस्त ऑफरोडिंग करती है भाई, देखना। ओ ये मजा आ गया भाई कसम से, पुरानी ट्रिप वाली यादें ताजा हो गई। वो बात है हमारे साथ स्कैम भी हुआ करती थी जिससे मेरी शादी तो होने ही वाली थी, पर शुक्र करो नहीं हुई भाई क्योंकि वो किसी और की है फिलहाल। तेरे पास भी तो कोई और है? अच्छा चुप हो लेना यार, तू सारी चीजें बोलता रहता पीछे बैठ गया, क्या आदमी है, इसके मारूंगा दो तीन घुसड़ पर। चलो कोई नहीं गाइस, अब मैं लेके जा रहा हूँ इसे दूसरी ट्रैक में क्योंकि पानी में तो आपने देख लिया मैंने खुदाई है, इसके भी खुदा के दिखा दूंगा। ये लो यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे लिए खुदा के दिखा देंगे, ये लो। ओ भाई ये तो बहुत गहरा था, मैं तो हल्का सा मान रहा था ये, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे निकल जाइए। डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर क्या है, डिफेंडर है ये, यूं थोड़ी अटक जाएगी, लफंडर गाड़ी है, लफंडर गाड़ी अटक जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता मित्रों। ये देखो ओए, चलो चलते हैं उस वाले ट्रैक में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वहाँ आएगा और मजा। आ जाना आ जाना, छाती पर चढ़ा दूँ भूत रे भाई। हम ट्रैक पे जहाँ हमें आना था और यहाँ पे कीचड़ वगैरह है, तो लेट्स गो, अपनी साफ सुथरी डिफेंडर को गंदा करने के लिए हम आ गए हैं। देखो रास्ते में पानी था जैसे कि आपने देखा, तो मैंने वहाँ गाड़ी पूरी साफ कर ली है, टायर भी देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं होते, बिल्कुल वैसे चमक रहे हैं। पर अभी अभी देखते हैं क्या सीन होगा क्या नहीं। डिफेंडर तो ऊंची इतनी करती है भाई, ऊंची में लिटर लिटर देखो यार दिक्कत तो लगती है यार, सच बताऊं तो कि पलट ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हालांकि कंपनी ने बिल्कुल सेटलमेंट कर रखी गाड़ी की, पर फिर भी अपने आप को अंदर बैठ के लिटिल लिटिल सा लगता है सच बताऊं तो। पर चलो कोई नहीं, मैं ना मार दूंगा पापड़ वाले नु, ये लो देख रहे हो हमारा जलवा। गाड़ी में कीचड़ नहीं है, हल्का भी कीचड़ भी नहीं लगा भाई, ये है हमारा जलवा। देख रहे हो गाइस गाड़ी ऊंची, इतनी कीचड़ उछलेगा कैसे, ये देख रहे हो वैसे उछल रहा है कीचड़ पर, गाड़ी में नहीं लग रहा है भाई, यही तो खासियत है अपनी प्यारी डिफेंडर की। टू जलवा डिफेंडर का है ये जलवा, ओए तो लेट्स गो गाइस, यहां पे मैं लिटिल लिटिल ऑफरोडिंग कर लेता हूं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं और फिर आपको दिखाता हूं हमारी गाड़ी के हालात। इसी ने बिल्कुल सही कहा, चीजें उतनी ही करो जितनी अच्छी लगे, हमने अपने डिफेंडर की कुछ ज्यादा ही ऑफरोडिंग कर ली, पर अब आप देख सकते हो हमारी डिफेंडर कितनी गंदी हो गई और हमने खड़ी भी कहां कर रखी। जी को कैसी लग रही, जेम कुसुम तेरी शक्ल जैसी गंदी थी, जल्दी साफ करा ले इन मारू। वो तो है, और गाइस ये ना चिल्लाने लग गई थी, ये बहुत जोर से चिल्लाई, पता नहीं क्या हो गया था इसे, फिर देखा तो भैया इसका बीपी बढ़ गया था। क्यों, जिस हिसाब से हम गाड़ी ऑफरोडिंग कर रहे थे, तो ये सीन है गाइस, आपने देख लिया हमारी ऑफरोडिंग हमने कैसे करी, पर गाड़ी बिल्कुल ऊपर कर रखी हमने, अब कुछ नहीं कर सकते भाई। जिग्गू तुम दोनों ना यहीं रहो, ठीक है, मैं देखता हूँ इसको साफ सुफ करने का ट्राई कर लेता हूँ। वैसे तो ये क्या ही साफ होगी, लग तो नहीं रहा इसका कि ये सेटलमेंट की साफ भी होने वाली है, साफ करवानी ही पड़ेगी। वैसे तो गाइस देख सकते हो यार बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई, और इधर ना पानी पूनी है, तो यहाँ पे मैं फोटो फोटो ले लेता हूँ गाइस। आ जाओ गर्ल्स एंड बॉयज, लेट्स टेक सेल्फी, सेल्फी मैंने ले ली यार, सिर पे मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया। जो ये जिग्गू पूरा मस्त आ रहा तू फोटो में भाई, जिग्गू क्या हैंडसम बॉय लग रहा है तू, एक नंबर का लड़का लग रहा है जिग्गू तो हमारा गाइस, कितनी प्यारी फोटो आ रही है। इसे पता ही नहीं कि इसकी फोटो मैं खींच ही नहीं रहा, ओ ये मैं तो इसके साथ फोटो खींच रहा हूं। लेट्स गो, जब फोटो मांगेगा ये वाली दूंगा इसे। ए हे हे, अरे रे इतना धोखा भी नहीं करना चाहिए अपने दोस्त के साथ, खींच ले तो लड़का खुश हो जाएगा। ये ले बेटा आ जा, ये देख सकते हो गाइस हमने फोटो फोटो भी खींच लिया, मजा तो एक नंबर का आया मैं आपको बता दूं। और सुनो मेरी बात, अगली बात तो सुन, ठीक है,
परसों मेरी शादी है तो तुम दोनों को जरूर आना है। अरे मजाक कर रहा हूँ पगलो, इतनी जल्दी शादी करूँगा? अभी तो मैं नन्ना मुन्ना राई हूँ। नन्ना मुन्ना राई किससे मिलने गया था कल, फिर ये तो बता दे। अरे तू चुप रहना, बता दूँ ना, भूत नहीं है, मारूंगा तेरे दूर सा। हाँ तो लेट्स गो गाइस, होप करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिलहाल आज आपने देखा कि हमारे डिफेंडर की हमने ऑफरोडिंग करी, जिसमें तो हमें काफी ज्यादा मजा आ ही गया। अब पिता श्री जाएंगे दुबई। अब आप बताओ मुझे, दुबई उनके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यार मेरा तो मन नहीं है, उन्होंने मेरे को स्कॉर्पियन भी ठीक करने के लिए बोल दिया है। मैं दुबई जाऊँ या स्कॉर्पियन ठीक कराऊँ वो आपके ऊपर है, वो हमें बताना जरूर। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्रांड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टाटा, चंगा फिर अगली।